हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओवरडोज चैनल में आपका इस्तकबाल, आपका स्वागत। एमनेस्टी पीरियड चालू है 17 जून तक। जो भी लीगल भाई हैं सऊदी छोड़ दें तो उनके लिए बेहतर होगा, वरना ओवर स्टे करने पर 15,000 से 1,00,000 रियाल तक जुर्माना होगा। जो भी आपका गुनाह होगा, जो कानून के हिसाब से आप पर 15,000 से 1,00,000 रियाल तक का जुर्माना पड़ेगा। तो बेहतर ये होगा कि आप सऊदी छोड़ दें 17 जून के पहले तक। जो वजह 24 घंटे काम पर लगी है, भीड़ लगी हुई है, हर कोई अपना अपना काम करा रहा है। कुछ भाइयों का सवाल भी आ रहा था कमेंट बॉक्स में कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं अपने कपिल से मेरी बनती नहीं है, मैं सऊदी छोड़ना चाहता हूं। तो उनके लिए खुशखबरी है, इसी 15 अप्रैल से लेबर ऑफिसर निमकता अमल भी काम पे लग गया है, इसी काम पे। जिस किसी भाई का कोई मसला नहीं है फिर भी देश छोड़ना चाहते हैं, इंडिया वापस है, बांग्लादेश पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, तो आप तुरंत मकतब अमल जाइए। वो आपको पेपर देगा और भेजेगा जो आजाद के पास। जो आजाद आपको एग्जिट फाइनल एग्जिट वीजा देगी, आप कंफर्म टिकट लीजिए और निकल जाइए। मान लीजिए आपका कफील आपका पासपोर्ट वापस नहीं देता है तो कोई मसला नहीं है। जब आप मकतब अमल से होते हुए जो आजाद जाएंगे तो जो आजाद वाले जबरदस्ती उससे कैसे भी पासपोर्ट कफील से आपको दिलवा देंगे, कोई मसला नहीं है। आप डरिए मत, पहले जो था मकतब अमल फेयर नहीं था, टाइम लगता था, लेकिन इस पीरियड में आपके पास गोल्डन चांस है, आप निकल सकते हैं अगर आपके पास कोई मसला नहीं है तब भी। यानी जो काम पहले महीने दो महीने, और जहां बहुत लोग भाइयों की शिकायत थी कि ये फेयर फैसला नहीं करता, ले मकतब अमल सऊदियों के हक में फैसला जाता है, तकलीफ होती है, आदमी झूठ मूठ के झमेले में पड़ जाता है मकतब अमल के, लेकिन इस बार इस टाइम इस पीरियड में आपके लिए गोल्डन पीरियड है, ये एमनेस्टी पीरियड। आप जाइए मकतब अमल, जो भी आपका काम है फटाफट होगा, काम पे लग गई है ये मकतब अमल। मैंने बहुत कोशिश की 2-4 जगह से बात करने की, बोल रहे हैं भाई मेरे पास, मैंने बोला 5-10 मिनट ही टाइम दे दो, कुछ भाइयों का सवाल है उसका जवाब दे दो, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है। दो चार लोग हैं मेरे जान पहचान के जो आजाद वाले, मैंने उनके पास कोई टाइम नहीं है, 24 घंटा काम पे लगे हुए हैं। तो आज के वीडियो के में बस इतना ही, मैं कोशिश में लगा हूं जैसे कोई नई जानकारी मिलती है नई अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि ट्रैफिक ज्यादा मिले, कमेंट कीजिए अगर कोई सवाल है तो, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी अपडेट के बारे में जानने के लिए। मा सलामा।